नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी की सियासत और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम आपके बीच सवाल रखेंगे और उसका जवाब आपको देना है। और वीडियो में आप आखिरी तक अवश्य बने रहें, ये मेरी आपसे अपील है। सबसे ज़्यादा बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती की तरफ से निकल कर आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मायावती को यूपी का नंबर वन नेता बताया। मायावती की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। क्यों मायावती की राकेश टिकैत को तारीफ करनी पड़ी, आज की इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। साथ ही साथ जो बड़ी खबर है वो चंद्रशेखर आज़ाद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी जुड़ी हुई हैं। तो सभी खबरें विस्तार पूर्वक समझाएंगे, आप बने रहें इस वीडियो में। इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको सभी छोटी बड़ी खबरें विस्तार पूर्वक समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी खबर है आज की, सबसे ज़्यादा बड़ी खबर यही है, यूपी में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और प्रथम चरण के पर्चे आज से भरे जाएंगे। सबसे ज़्यादा बड़ी खबर आज की ये है। और जो राजनीति से जुड़ी हुई है वो हम आपको बताते हैं। मायावती की तारीफ किस तरीके से जो राकेश टिकैत ने की है, मायावती की तारीफ क्यों की है, हम आपको बताते हैं। आज तक के मंच पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है, यूपी में नंबर वन पर मायावती को बताया है राकेश टिकैत ने। मायावती के बारे में क्या कुछ बोला राकेश टिकैत ने, हम आपको उनकी वीडियो दिखाते हैं। इनकी वीडियो देखने के बाद आप अपनी कमेंट पर राय देना। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि राजस्थान में कैसा काम किया है यूपी के लिए। हमने ये कहा कि योगी जी ने कहा काम करा, 3.5 काम करे उन्होंने, 3.5 काम करे। कौन से? कुछ तो तीसरे नंबर पर तो वे गन्ने पर रहे, पहले नंबर पर रही मायावती, 125-135 रुपए बढ़ाए गन्ने के, दूसरे पर अखिलेश उसने 65 बढ़ाए, और योगी जी रहे तीसरे नंबर पर, उन्होंने 25 बढ़ाए। अब बताओ भाई, जो दीखती अंक हुए तो कैसे कह रहे, जो काम करेगा वो दिखेगा, तो लिखत पड़ा तुम्हें सारा। साथियों, आपने देखा राकेश टिकैत ने मायावती कैसे तारीफ की। मायावती जो राकेश टिकैत ने साफ बोला, जो काम करेगा वो दिखेगा, वो लिखा पड़ा, जो सब रखा है, किसने क्या किया है ये सब देख रखा है हमने, उसी प्रकार से वोट किए जाएंगे। तो जो तारीफ की थी मायावती ने, जैसे कि आप सभी को पता ही है, मायावती ने 125 सबसे ज़्यादा यानी कि गन्ने के रेटों में बढ़ोतरी की थी। उसके बाद अखिलेश यादव और तीसरे नंबर पर योगी को बताया, यानी किसानों के हित में सबसे ज़्यादा कम सोचने वाले योगी को बताया, और सबसे ज़्यादा सोचने वाली नेता मायावती को बताया राकेश टिकैत ने। सबसे ज़्यादा सोचने वाली नेता, किसानों के बारे में सोचने वाली नेता मायावती को बताया। आपको क्या लगता है कमेंट में राय देना, इनकी बातों पर कमेंट में राय देना। सबसे ज़्यादा एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल भीम आर्मी प्रमुख व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद अपने चुनावी पत्ते खोलने वाले थे। चंद्रशेखर आज़ाद साफ क्लियर करने वाले थे कि चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे तो किससे करेंगे। तो साथ ही उसी बीच एक सबसे ज़्यादा बड़ी खबर लगभग 3 बजे आई कि चंद्रशेखर आज़ाद का अखिलेश यादव से हो रही है। अखिलेश यादव से जो बड़ी खबर आई कि चंद्रशेखर आज़ाद की अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही है, तो उससे पहले एक और बड़ा बयान आया था जो कि ओम प्रकाश राजभर का था। ओम प्रकाश राजभर ने सीधा दावा किया था कि चंद्रशेखर आज़ाद से बात हो रही है, वो आ सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, हमारा कुनबा अभी और बढ़ेगा, चंद्रशेखर की टीम आज हमसे मिली थी। यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी जो चंद्रशेखर की टीम है वो हमसे मिली थी, और जो समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है अभी और बढ़ेगा, ये सब ओम प्रकाश राजभर ने दावा ठोका मीडिया रिपोर्ट्स में, मीडिया से बात करते हुए। और आगे हम आपको बताने की कोशिश करें, चंद्रशेखर आज़ाद दोनों, जो चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव में दोनों नेताओं के बीच एक बार बात हो चुकी है, एक दौर की मुलाकात अभी बाकी है, यानी कि बातचीत हो चुकी, कल बात हुई, अभी एक दौर यानी फाइनल दौर की मुलाकात अभी बाकी है। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गठबंधन हो सकता है क्या? चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं? आप क्या सोचते हो वो हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में फिलहाल भी दे दीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद का गठबंधन होगा या नहीं, ये आप हमें कमेंट में प्रतिक्रिया दें। और साथ ही एक और जो बड़ी खबर है, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता ही, एक दौर था जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में दूसरों को टिकट बांटा करते थे, आज समय बदल गया है, यानी कि आज अब वो स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं, अब वो खुद अपनी टिकट के लिए मजबूरन इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। समय में
सच में समय बहुत बलवान होता है। ये सब जो बीएसपी इंडिया का जो सपोर्ट रहे, बीएसपी को सपोर्ट करने वाले लोग लिख रहे हैं फेसबुक पर, उन्होंने साफ साफ लिखा है, एक दौर था जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में दूसरों को टिकट बांटा करते थे, आज समय बदल गया है, अब वो खुद अपनी टिकट के लिए मजबूरन इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके मान सम्मान स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ हुआ है या नहीं, ये आप हमें कमेंट में राय बताना, क्या वो हकीकत में टिकट के लिए इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, आपको क्या लगता है, फिलहाल आप अपनी कमेंट में राय दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, एक और जो बड़ी खबर है वो भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी फूके हुए कास्तूलों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराती है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रही है। अगर मायावती क्यों नहीं कराती है, वो हम आपको बता दें, अगर वो दलित पिछड़ों का दुख लेकर जाएंगे, दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी टिकट से मतलब है। अगर वो दलितों पिछड़ों की बात होती तो वो 5 साल सुख भोगने के बाद नहीं आते, यानी भारतीय जनता पार्टी से नहीं टूटते, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाते। वो सिर्फ इसीलिए इस समय में लास्ट 5 साल सुख भोगने के बाद अब एन वक्त पर इसीलिए आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे दे। पर मायावती ऐसा नहीं करती, मायावती चाहती है मेरा पुराना वर्कर ही चुनाव लड़े, मेरा पुराना वर्कर ही एमएलए विधायक बने। तो साथियों, बसपा का जो कुनवा बढ़ रहा है उसके दौर में एक और बड़ी खबर आई है। बसपा में कई लोग हुए हैं शामिल, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल सुबह ट्वीट करके दी थी जानकारी। पूर्व गृह मंत्री सईदुज्जमा के बेटे सलमान सईद बसपा में शामिल, आरएलडी छोड़कर नोमान मसूद भी हुए बसपा में शामिल। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में जो लोग आ रहे हैं, मायावती उनको साफ सीधा क्लियर कर रही हैं कि उनको चुनाव में टिकट मिलेगी या नहीं। मायावती जी जिनको टिकट देना चाहती हैं उनको तुरंत टिकट दे रही हैं, जिनको नहीं देना चाहती उनको पार्टी में शामिल ही नहीं करा रही हैं। तो साथियों, साफ सीधी जो क्लियर जो बात है, तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती तुरंत की तुरंत हैंड टू हैंड फास्ट फैसला कर रही हैं। और आकाश आनंद भी चुनाव पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान दे चुके हैं। आकाश आनंद ने साफ सीधी बात बोली है, यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा में जिस तरह भगदड़ मची है, उससे साफ जाहिर है कि इनके शासनकाल में दलितों पिछड़ों शोषित वंचितों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन याद रखिए, सम्मान और विकास सिर्फ बहन जी के शासन में मिला है, यानी सम्मान दलितों पिछड़ों को और विकास उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ बहन जी के शासन में मिला है। ये दावा आकाश आनंद ने ठोका है। आकाश आनंद ने दावा किया है कि बहन जी शासन में विकास मिला है। आप इन सभी खबरों के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में राय देना। हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी पार्टी की सीट निकल सकती है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। ये सब हम आपसे सवालों का जो सवाल रखे हैं, हम उनका जवाब जानना चाहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे भी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।